प्लैनेट्स और उनके मून्स के ऑफिशियल नेम्स को गवर्न करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जो 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका मिशन था एस्ट्रोनॉमी के साइंस को लोगों में प्रमोट करना और उसे सेफ रखना। दुनिया भर के प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। IAU के हिसाब से हमारे प्लैनेट अर्थ को छोड़ के सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स के नाम ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी पे रखे गए थे। हेलो ब्यूटीफुल माइंड्स, दिस इज कृति वेलानी, स्वागत है आप सबका केवी राइट्स पे। क्या मेरी तरह आपको भी कभी ना कभी ये ख्याल आया कि मर्क्यूरी को मर्क्यूरी, अर्थ को अर्थ, वीनस को वीनस ही क्यों बोलते हैं? अगर हाँ तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं राज हमारे प्लैनेट्स के नेम का। आई एम श्योर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मर्क्यूरी से। प्लैनेट मर्क्यूरी को अपना नाम कैसे मिला? रोमन्स ये जानते थे कि स्काई में 7 ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थे सन, मून और 5 ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स। उन्होंने सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देवी देवताओं के नाम दिए। क्योंकि मर्क्यूरी फास्टेस्ट प्लैनेट है, जो सन के आसपास काफ़ी हाई स्पीड में रिवॉल्व करता है, उसे नाम दिया गया रोमन्स के एक गॉड मर्क्यूरी का। अब गॉड मर्क्यूरी को मैसेंजर गॉड माना जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी रफ्तार से मैसेज पहुँचाने का काम करते थे, इसीलिए इसे मर्क्यूरी नाम दिया गया। मर्क्यूरी ट्रैवलर्स के भी भगवान माने जाते थे। रोमन्स के एक मिथ यानी कि काल्पनिक कथा के अनुसार भगवान मर्क्यूरी के पास विंग्स, हैट एंड सैंडल्स हैं, जिसकी वजह से वे बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। नंबर 2, वीनस। वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जो रात में बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। वीनस को अपना नाम रोमन के एक देवी यानी कि गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी से मिला, और ये ऐसा एकमेव प्लैनेट है जिसका नाम किसी फीमेल के नाम से रखा गया है। ये पेंथियॉन्स की बहुत ही सुंदर देवी है, और क्योंकि वीनस पांचों प्लैनेट्स में से सबसे ब्राइटेस्ट और सुंदर था, इसको वीनस नाम दिया गया। जैसे मैंने पहले ही कहा, अर्थ के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स के नाम रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। वहीं अर्थ वर्ड का इंग्लिश या जर्मन में सिंपल मीनिंग है ग्राउंड। ये वर्ड ओल्ड इंग्लिश वर्ड एअर्थ एंड अर्था से आता है, जिसको जर्मन में एअर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 4, मार्स। रेड प्लैनेट मार्स को अपना नाम गॉड ऑफ वॉर से मिला। रोमन मिथ के हिसाब से गॉड मार्स एक सुंदर रथ में ट्रैवल करते हैं, और इस रथ को चलाते हैं उनके दो हॉर्सेस, जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। फोबोस का मतलब है फियर एंड डीमोस का मतलब है पैनिक। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों हॉर्सेस के नाम मार्स के दो मून्स के नाम पड़े। नंबर 5, जुपिटर। इस प्लैनेट को रोमन्स के किंग ऑफ गॉड्स जुपिटर से अपना नाम मिला, जो कि स्काई एंड थंडर के भी गॉड हैं। बट रोमन्स ने यही नाम क्यों चुना? क्योंकि ये प्लैनेट स्काई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था, और इसी वजह से काफ़ी पावरफुल माना गया, इसी वजह से इसका नाम जुपिटर पड़ा। जुपिटर को ग्रीक के गॉड ज्यूस भी कहा जाता है, जिनको अलेक्जेंडर की माँ ओलंपियास भी वर्शिप करती थी। इनफैक्ट अलेक्जेंडर को सन ऑफ ज्यूस यानी सन ऑफ जुपिटर भी कहा जाता है। जुपिटर रोम के चीफ एंड ऑफिशियल देवता तब तक रहे जब तक क्रिश्चियनिटी ने पगान सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया। रोमन्स आज भी जुपिटर को अपना चीफ डेटी यानी भगवान मानते हैं। उन्हें अपने कॉन्स्टेंट सपोर्ट के लिए वाइट ऑक्स की बलि भी चढ़ाते थे। नंबर 6, सैटर्न। सैटर्न को अपना नाम रोमन के गॉड ऑफ एग्रीकल्चर से मिला। रोमन के एक मिथ के हिसाब से गॉड सैटर्न ने अपने लोगों में एग्रीकल्चर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ही लोगों को फार्मिंग करना सिखाया। सैटर्न रोमन्स के लिए समय के भी देवता हैं। ही इज द रोमन गॉड ऑफ टाइम। और क्योंकि लोग आकाश में सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स देख पा रहे थे, और ये प्लैनेट सन के ऑर्बिट में इन पांचों में से सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट था, और ये ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा समय ले रहा था, इसका नाम सैटर्न पड़ा। नंबर 7, यूरेनस। क्योंकि यूरेनस सन से काफी दूर है, इसे देखने के लिए नेकेड आई यानी कि सिर्फ आंखें ही काफी नहीं थी। इनफैक्ट यूरेनस टेलीस्कोप की मदद से पहचाने जाने वाला फर्स्ट प्लैनेट है। एक रात कॉमेट्स की खोज में निकले सर विलियम हर्शल को मार्च 13, 1781 में ये सेवेंथ प्लैनेट दिखा,
पर शुरू शुरू में उन्हें लगा कि ये कोई साधारण आईसी बॉडी यानी कि कॉमेट ही है, क्योंकि उन दिनों तक सब यही मानते थे कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स ही हैं। जब इसे नाम देने की बात आई तो हर्शल ने इसे अपने आइडल किंग जॉर्ज 3 के नाम पर रखने की बात की, जो था जॉर्ज यमसिडस और जॉर्जस स्टार। पर ये नाम इंग्लैंड के बाहर ज्यादा पसंद नहीं किया गया। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन एलिट बोट, जिन्होंने इसे नए खोज किए हुए ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के तौर पर पहचानने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया, उन्होंने इसे यूरेनस नाम दिया, जिसका ग्रीक में अर्थ है गॉड ऑफ स्काई। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। माइथोलॉजी के हिसाब से जुपिटर किंग सैटर्न और क्वीन रिया के बेटे थे, इसीलिए जुपिटर के बाद वाले प्लैनेट को सैटर्न नाम मिला था। बोट के हिसाब से ये अब सैटर्न के बाद वाले प्लैनेट का नाम सैटर्न के फादर के नाम पे ही होना चाहिए, और इसीलिए इसका नाम यूरेनस पड़ा, जो माना जाता है कि सैटर्न के पिता थे। यूरेनस ऐसा अकेला प्लैनेट है जिसका नाम किसी ग्रीक गॉड पे पड़ा, बाकी सभी प्लैनेट्स का नाम रोमन गॉड्स पे है। यूरेनस की स्टोरी वॉज फुल ऑफ पीपल नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे वर एक्चुअली सीइंग। यूं तो यूरेनस की खोज अर्ली 128 BC में ही हो जाती, पर जितनी भी बार लोगों ने इसे देखा उन्होंने इसे स्टार ही समझा। यूरेनस की खोज के बाद और कुछ मेजरमेंट्स करने के बाद विलियम हर्शल ने इसे कॉमेट बताया, क्योंकि इसकी स्पीड किसी भी स्टार से काफी ज्यादा थी। हर्शल ने बाकी एस्ट्रोनॉमर्स को इसके बारे में बताया, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नए कॉमेट की खोज की है, पर वे सब काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि इतनी ब्राइट चीज होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सन के काफी नजदीक होना पड़ता है, पर यह ऑब्जेक्ट तो सन से काफी दूर था। अगर एक बार मान भी लिया कि ये कॉमेट है और सन के नजदीक है, पर कोई भी चीज जो सन के नजदीक रिवॉल्व करती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो काफी ज्यादा तेजी से घूमती है, पर ये ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी भी तेज नहीं थी जितनी सन के नजदीक वाले कॉमेट की होनी चाहिए थी, पर इतनी स्लो भी नहीं थी जितनी स्टार्स की होती है। साथ ही इस ऑब्जेक्ट के पास कोई टेल या कॉमा नहीं था, जो यूजुअली कॉमेट्स में होता है। तो ये ना ही स्टार था ना ही कॉमेट, तो ये था क्या? काफी एस्ट्रोनॉमर्स ने इन पे रिसर्च और स्टडीज किए और इन्हें पता चला कि इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट लगभग सर्कुलर है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट डिक्लेयर करने के लिए काफी था। इसी से पता चल पाया कि यूरेनस कॉमेट नहीं प्लैनेट है। नंबर 8, नेपच्यून। नेपच्यून की डिस्कवरी के तुरंत बाद इसे सिर्फ यूरेनस के बाहर वाले प्लैनेट के तौर पर ही जाना जाता था, क्योंकि इसके डिस्कवरर अर्बिन ली वेरियर थे। इसे ली वेरियर्स प्लैनेट भी कहते थे। इसके ऑफिशियल नेम के लिए फर्स्ट सजेशन आया जॉन गेल से, जिन्होंने इसे जेनस नाम देने की बात की, जो एक रोमन गॉड थे। जेनस को न्यू बिगिनिंग्स, गेट्स, ट्रांजिशंस, डोरवेज, पैसेजेस, टाइम और अंत यानी कि एंडिंग्स के गॉड माने जाते थे। दूसरा प्रपोजल था इसे ओशियनस नाम देने का, क्योंकि ये ब्लूइश कलर था, पर क्योंकि ली वेरियर ने इसकी खोज की थी उन्होंने इसे नाम देने का हक किसी और को नहीं दिया और इसे नेपच्यून नाम दिया गया, जिसका रोमन मीनिंग था गॉड ऑफ सी, अगेन बिकॉज इसका डीप ब्लू कलर था। और जल्द ही ये नाम इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया गया। नंबर 9, प्लूटो। जब प्लूटो की डिस्कवरी हुई इसे सबसे छोटा प्लैनेट माना गया था, पर आज हम जानते हैं कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब है एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट जो सन के इर्द गिर्द तो घूमता है, बट प्लैनेट्स जितना बड़ा नहीं होता और ना ही ये दूसरे प्लैनेट्स की तरह अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को हटा पाता है। प्लूटो काफी कोल्ड यानी कि ठंडा है और सन से काफी दूरी पर है, इसीलिए इसे प्लूटो नाम मिला, जो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से मृत्यु के देवता यानी गॉड ऑफ डेथ हैं। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इसे प्लूटो नाम देने वाली शख्स ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली महज 11 साल की वेनेशिया बर्नी थी। जब सन के आसपास घूमने वाले सभी प्लैनेट्स के नाम जान लिए तो सन क्यों रह जाए? सन को ये नाम कैसे मिला? हमारे सोलर सिस्टम का लोकल स्टार होने के बावजूद सन का कोई प्रॉपर यूनिक और इंग्लिश में जनरली एक्सेप्टेड नेम नहीं है। इंग्लिश में इसे सन कहते हैं, पर आज भी काफी इंग्लिश स्पीकर्स इसे सोल के नाम से बुलाते हैं। सोलिस सन का लेटिन नेम है और सोल रोमन्स और ग्रीक्स के सन गॉड हीलियोस पे पड़ा है। है ना काफी कंफ्यूजिंग? इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स अपनी साइंटिफिक राइटिंग्स में इसे सोल या सोलिस की जगह सिंपली सन ही लिखते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट नेमिंग ऑफ प्लैनेट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी और काम की लगी हो। अगर हाँ तो आगे शेयर जरूर करें और ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज कृति बेलानी साइनिंग ऑफ।